मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के तीसरे दीक्षांत समारोह में शुक्रवार को गोरखपुर आए राज्यपाल राम नाईक ने गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक साल के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में काफी बदलाव आया है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान माहौल को देखते हुए यहाँ बड़ी संख्या में उद्योगपति आने वाले हैं, जिससे नौजवानों को बहुत सारे रोजगार मिलेंगे। राज्यपाल राम नाईक ने कहा कि प्रदेश में मुख्यमंत्री द्वारा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना क्रियान्वयन हो रहा है, जिसे प्रतीत होता है कि यहाँ विकास का नया युग जल्द ही स्थापित होगा। राज्यपाल राम नाईक ने कहा कि इस नए युग में मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। राज्यपाल राम नाईक ने कहा, आज इस विश्वविद्यालय का तीसरा दीक्षांत समारोह हुआ, अपने आप में छात्रों के जीवन का ये सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव होता है और यहाँ के विश्वविद्यालय को तो मालवीय जी का नाम जुड़ा हुआ है। गोरखनाथ में, गोरखपुर में ये विश्वविद्यालय है और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से जो छात्र आज उपाधि लेकर निकलेंगे वो उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के साथ ही साथ भारत में औद्योगिक विकास के काम में लगेंगे। ऐसा काम, जिस प्रकार की शिक्षा यहाँ उनको मिली है उसके आधार पर वो करेंगे। और आज उत्तर प्रदेश में जो वायुमंडल है, यहाँ बाहर के उद्योजक बड़ी संख्या में आने वाले हैं, साथ ही साथ उसके लिए पूंजी का बड़ा प्रावधान भी हो रहा है। और प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यह योजना जो कार्यान्वित हो रही है, मुझे ऐसा लगता है कि एक विकास का नया युग उत्तर प्रदेश में प्रारंभ हो रहा है और निश्चित तौर पर यहाँ के जो छात्र हैं वो विकास को आगे ले जाने का काम करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है।